आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 कवर करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे। सब यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब इसको प्रोडक्ट तो निकालना ही है हमको, हम चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बट उसने बोला है सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, अब आइडेंटिटीज़ तो ये मैंने साइड में सारी आइडेंटिटीज़ लिख के रखी है, आपको देखना है कौन सी कहाँ लगानी है और सीधे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जैसी आइडेंटिटी आपको इनमें से कौन सी दिख रही है, फर्स्ट ही वाली दिख रही है देखो, तो हम वही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ आपको पहचानना है कि कौन सी चीज़ क्या है। देखते हैं, पहले आपको आइडेंटिटी लिख लेना है, सिंस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, आइडेंटिटी लिख ली। अब आपको पहचानना है कि इनमें से आपको क्या कैसे दिख रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो हियर एक्स इज इक्वल टू एक्स, देखो x की जगह x ही है, ठीक, a की जगह 4 है तो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 10, दिख रहा है b इज इक्वल टू 10, सबकी वैल्यूज निकल गई। देयर फॉर क्वेश्चन को लिख लो अगेन, x प्लस 4 x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब सेम आइडेंटिटी देखो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाया है मैंने, है ना, इसी के नीचे सब वैल्यूज पुट करते जाना है, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू देखो 4, बी की वैल्यू 10, एक्स प्लस 4, बीच में कोई सिंबल नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ए इंटू बी मतलब 4 इंटू 10, सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14, एक्स प्लस 10 4 जा 40, आ गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस है जो सेकंड थर्ड, मुझे क्वेश्चन भी देखते जाना पड़ेगा, सेकंड थर्ड वगैरह जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, बस वहाँ पे ना एक्स की वैल्यू जैसे सेकंड में तो एक्स ही है, थर्ड में 3x है, ठीक है, तो वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस ही आए, माइनस भी आ सकता है, और कितनी आइडेंटिटीज लर्न करोगे अगर माइनस के लिए बनाओ तो, कभी यहाँ माइनस आएगा कभी यहाँ माइनस आएगा, एक जैसी या फिर दोनों में भी माइनस आ सकता है, तो एक जैसी चार आइडेंटिटी हो जाएगी, तो आपको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लर्न रखनी है, और जब यहाँ पे माइनस आए तो आप क्या करना, उसकी वैल्यू को माइनस पुट करना। जैसे मान लो यहाँ माइनस 10 होता तो हम क्या करते, बी की जगह लिख देते माइनस 10, और जहाँ भी बी रखा है हमने यहाँ भी माइनस 10 कर देते, यहाँ भी माइनस 10 कर देते, और बस इजीली उसको सॉल्व कर लेते। तो आपको वैसे ही करना है आगे के जो दो क्वेश्चन है उनमें, ठीक है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन फिर इसी के जैसे बनेगा, आप बना लेंगे इसको। देखो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी पहले तो वो पहचानना है आपको। तो देखो मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटी नंबर 2 लगेगी, कैसे, तो मुझे RHS दिख रहा है उसमें, LHS नहीं, ठीक है, RHS दिख रहा है, देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, कैसे पहचाना मैंने, अब यहाँ एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये भी तो आइडेंटिटी हो सकती थी, है ना, पर आपको चेक करना है कि फर्स्ट टर्म सेम है तब ये आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों सेम सेम है तब सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, बस इतना ही चेंजेस है दोनों में। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन मिल गया आपको, अब यहाँ आइडेंटिटी लगो, सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक चीज आइडेंटिटी उल्टी लिखो पुल्टी लिखो चलेगा, ठीक है, आप इसको इधर लिख सकते हो, पर क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया आपको आइडेंटिटी वैसे ही चेंज करनी है, जैसे वहाँ मैंने उल्टा लिखा था यहाँ उल्टा लिख दिया, ठीक, तो देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है, आप लिख सकते हो हियर a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 3/2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, a की वैल्यू वाई स्क्वायर है फिर उसका स्क्वायर, ठीक, माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, जगह थोड़ी कंजस्टेड हो गई मैंने नीचे हटा के लिख दिया, चलो सॉल्व करते हैं, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई रेस टू द पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4, तो बस यही आपको आंसर आएगा, ठीक। आप आदत डालना कि इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा के लिखा करो, ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया।
इसी के जैसे लास्ट क्वेश्चन बनाना है, आपको चेक करना है फर्स्ट फर्स्ट सेम, सेकंड सेकंड सेम, तो ये वाली आइडेंटिटी। अगर सिर्फ फर्स्ट सेम है और सेकंड सेम नहीं है तो ये वाली आइडेंटिटी बस। फिर अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, फिर से वही आइडेंटिटीज का यूज़ करना है और सॉल्व करना है। लेकिन कैसे कैसे इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसका ऐसा भी तो लिख सकते थे 103 इंटू 107 इज इक्वल टू, इसको हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसको 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई की जगह तो ऑलरेडी मैंने ब्रैकेट लगा दी है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी चीज, ज़रूरी नहीं है हर बार यहाँ प्लस ही आए, यहाँ पे मान लो कि 93 आता तो आप क्या करते, 100 माइनस 7 कर देते, 100 माइनस 7 कर देते तो एक में प्लस एक में माइनस होता। फिर से वही बात कि आप बी की वैल्यू को माइनस 7 रखते, ऐसा होता, लेकिन यहाँ फिलहाल प्लस है। देखो तो हम यहाँ क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे, सिंस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, आइडेंटिटी लिख दी। ही आर सबकी वैल्यू लिखो, एक्स इज इक्वल टू कितना है, 100 है, देखो ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 7 लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो दे आर फॉर जो क्वेश्चन था वो लिखना है आपको, 100 प्लस 3 ये वाला लिखो, ठीक है 100 प्लस 3, और ये लिखना 100 प्लस 7 इज इक्वल टू, क्या किया पहले इसको ऐसे तोड़ लेना है, फिर देखना है आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, मैंने फर्स्ट नंबर की लगाई है, ठीक है। फिर आपको वैल्यूज़ निकाल लेनी कि इसकी कौन सी है, फिर उसको पुट करना है, तो ये आइडेंटिटी रही इसमें पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 7, 3 प्लस 7, और एक्स एक्स की वैल्यू 100 प्लस ए बी, ए बी मतलब ए इंटू बी, तो 3 इंटू 7 ऐसे ही होगा। अब सॉल्व कर लो, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस करो कितना हो जाएगा 1,000 प्लस 7 3 20 1, और सबको प्लस करो कितना आ जाएगा 11,021। तो यही जो है वो आप इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर बार यहाँ प्लस ही हो जरूरी नहीं है, आपको पहचानना है। अब अगले क्वेश्चन में जैसे दिया है 95 इंटू 96, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, ठीक, तो ए की वैल्यू माइनस 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी, और वही वैल्यूज यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, उसको 90 प्लस करके भी बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, देखो 100 प्लस 4 100 माइनस 4, तो आइडेंटिटी नंबर 2 लग जाएगी, और उसको सॉल्व कर लोगे, तो आपको वो पहचानते आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो ये हमारे जो है 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बचे हुए क्वेश्चन जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।